री एग्जाम में फीस बढ़ोतरी के विरोध में एबीवीपी ने डीएस कॉलेज के बाहर किया प्रदर्शन। वीसी का पुतला फूंका, फीस भरने के लिए मांगी भीख। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके के धर्म समाज महाविद्यालय के बाहर एबीवीपी के प्रदर्शन किया है, यानी प्रदर्शन री एग्जाम में की गई फीस बढ़ोतरी के विरोध में किया गया है। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कुलपति के विरोध में जमकर नारेबाजी की और फीस भरने के लिए भीख मांगी है। एबीवीपी ने प्रदर्शन के दौरान राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का पुतला फूंका। पत्रकारों को जानकारी देते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अंकुर शर्मा ने कहा है कि कुछ समय पहले फेल हुए छात्रों के लिए री एग्जाम कराए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया है। अब री एग्जाम तो कराए जा रहे हैं, लेकिन जो फीस पहले से 360 रुपए थी वो फीस अब 1060 रुपए मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक साथ 700 रुपए की बढ़ोतरी की गई, जो कि गलत है। परिषद ने प्रदर्शन कर बढ़ाई गई फीस को कम करने की मांग की है। क्या नाम है आपका? आज किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कारण है पूरा? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने रोड जाम कर स्पेशल परीक्षा, जो विद्यार्थी परिषद ने 12 जुलाई को विश्वविद्यालय का घेराव किया था, घेराव के दौरान 6 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया, मांग करी विश्वविद्यालय द्वारा उन छात्रों के लिए जो फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर के अंदर फेल हुए हैं, जो विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणाम की गलतियों के कारण हुए हैं, उनके लिए एक स्पेशल परीक्षा की मांग करी गई थी। उस स्पेशल परीक्षा का 20 दिन बाद एक जवाब आता है तो विश्वविद्यालय के प्रशासन उसको 1060 रुपये की फीस के साथ उसको स्पेशल परीक्षा कराने जा रही है, जो कि पूर्व में जितने भी री एग्जाम हुए या स्पेशल परीक्षाएं हुई जिनकी फीस 360 रखी गई, लेकिन इस बार विश्वविद्यालय मनमानी अपनी जेब भरने के लिए और बड़े बड़े जो भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए आज 1060 रुपये फीस रखी गई है। जो गरीब मध्यम परिवार से आने वाला विद्यार्थी जो सहन नहीं कर सकता इतनी बड़ी फीस को, जिसने 4000 रुपये फीस अपने विश्वविद्यालय को परीक्षा की दी थी, उसके बाद भी 1000 बहुत बड़ा एक अमाउंट विश्वविद्यालय ने जारी किया, जो कि मनमानी तरीके से विश्वविद्यालय ने किया है। परीक्षा समिति में स्पेशल परीक्षा की मांग हुई, लेकिन उसके अंदर कोई भी विषय जो परीक्षा शुल्क लेकर कोई विभाग चर्चा नहीं हुई, लेकिन पीसी ने बंद कमरे में अपने कर्मचारियों और अपने रजिस्ट्रार और ए रजिस्ट्रार के साथ मिलकर 1060 इस फीस को रखा गया है, जिसको वापस लेने के लिए विद्यार्थी परिषद तीनों महाविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ यहां बैठी हुई है। ये विश्वविद्यालय को ये अपना जो घोषणा करी है इसको वापस लेना होगा। 360 रुपये की फीस है वो 360 ही रखनी पड़ेगी, 1060 हटाकर 360 रखनी होगी। कि एक प्रदर्शन जो कर रहे हैं इसमें कितने लोग शामिल हैं, छात्र है छात्र ऐसे ऐसे? विश्वविद्यालय के यहाँ तीन महाविद्यालय टीआर और टीआर के यहाँ छात्र छात्र दोनों ही ये विरोध करने के लिए तैयार हमारे साथ बैठे हुए हैं। 360 रुपये लिए 360 ही ली जाए, तीन सब्जेक्ट में अगर कहीं 560 रुपये लिए जाते थे, लेकिन यहाँ विश्वविद्यालय दुगनी फीस वसूली कर रहा है। इसका किस इसके मानकों के अकॉर्डिंग ये फीस वसूली जा रही है, एनईपी में कितनी फीस ली गई है इसके मानकों के आधार पर। क्या रोड जाम करके प्रदर्शन किया जा रहा है? आज रोड जाम करके दो दिन से विश्वविद्यालय के यहाँ अपनी बात से अवगत करा रहे थे, लेकिन विश्वविद्यालय ने अभी तक हमारी मांगों को नहीं सुना, इसलिए आज रोड जाम कर हमने अपनी बातों को विश्वविद्यालय के। प्रदर्शन कब तक रहेगा? अभी जब तक अभी हमने एक मैसेज विश्वविद्यालय को दिया है, अभी हम पुतला फूकेंगे विश्वविद्यालय का। अपनी मांग के लिए बातचीत चल रही है, अगर बातचीत नहीं होती तो विरोध प्रदर्शन डेली तक चलता रहेगा। ठीक।